हेलो एवरीवन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एंटीना। देखो एंटीना क्या होता है, अ डिवाइस विच ट्रांसमिट और रिसीव द सिग्नल इज कॉल्ड एंटीना। रिसीव्स यहाँ पर ये देख लो, रिसीव्स ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, रिसीव्स। ठीक है, तो जो डिवाइस ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है सिग्नल को, वो होता है एंटीना। तो यानी कि एंटीना पर ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, और इसमें दो टाइप के एंटीना है जो कि कॉमन होते हैं। एक होता है आपके पास डाइपोल एंटीना और एक होता है डिस टाइप एंटीना। सबसे पहले हम डाइपोल एंटीना की बात कर लेते हैं। इसको हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी बोलते हैं। ओमनी मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ऑल। तो ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो लगाया हुआ है हमने, इसका काम क्या है कि ये ऑल ओवर द डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शंस में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और रिसीव भी करेगा सभी डायरेक्शन से। ठीक है, मतलब 360 डिग्री में ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को ऑल ओवर और रिसीव भी करता है सिग्नल को। क्लियर, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। सभी डायरेक्शन में ये एंटीना ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को और रिसीव भी करता है। क्लियर, तो ये देख लो यहाँ पर, ये देखो ये हमने क्या बनाया हुआ है, एक टावर बनाया हुआ है और उसके ऊपर ये एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, और ये देख लो 360 डिग्री पे ये क्या कर रहा है, सभी में ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी करेगा सिग्नल को। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, अ डाइपोल एंटीना इज एज शोन इन फिगर, इट इज ऑल्सो नोन एज ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। मतलब क्या है, ये ऑल डायरेक्शनल एंटीना है। ठीक है ना, सभी डायरेक्शन में ये क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। तो यही लिखा हुआ है, बिकॉज इट ट्रांसमिट द रेज इन every direction, और आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, and also receives the signal from every direction, ठीक है, और it is used to transmit the radio waves, और ये radio waves को transmit करने के use में आता है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कहाँ पर रेडियो सेंटर्स पे भी लगा होता है, क्योंकि आप देखो जब रेडियो में सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, ठीक है, तो आप कहीं भी हो, ठीक है, तो आपका सिग्नल कैच करता है ना, तो यहाँ पर कौन से एंटीना लगे होते हैं रेडियो सेंटर पे, ओमनी डायरेक्शनल, जो कि एवरी डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो आप मोबाइल टावर्स में भी इनका यूज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डिश टाइप एंटीना की। डिश टाइप एंटीना, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंटीना किस शेप में है, डिश शेप में है। देखो जैसे आपने देखा होगा डिश वाले बाउल होते हैं, इसी शेप में होते हैं ना बाउल, ठीक है, तो ये डिश बाउल होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिश एंटीना। क्यों, देखो ये जो पार्ट होता है ना इसका, जैसे ये तो टावर लगा हुआ है यहाँ पर, इस पे ये डिश एंटीना लगा हुआ है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट करता है सिग्नल को और रिसीव भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही करता है, तो ये डायरेक्शनल एंटीना भी होते हैं। तो देखो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट आप समझ सकते हो, जैसे आपके घर में टीवी पर सेटअप बॉक्स लगता है, ठीक है ना, सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, जैसे आपने सर्विसेज ली हुई हैं मान लो एयरटेल की या टाटा स्काई की, ठीक है, तो उसका एक डिश जो होगी वो आपकी छत पर लगी होगी, ठीक है, और वो देखना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगा के जाते हैं, ऐसे नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाते हैं जहाँ से सिग्नल रिसीव होता है और ट्रांसमिट भी होता है। देखो रिसीव हो रहा है सिग्नल तो आपके चैनल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिट कैसे हो रहा है वहाँ से, जैसे मूवी ऑन डिमांड की कईयों में क्या होती है, आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है, तो मूवी ऑन डिमांड में आप क्या करोगे, सिग्नल भेजोगे ना यहाँ से, तभी आपके पास वो मूवी आएगी या नहीं, समझ रहे हो इन चीज़ों को। तो देखो ट्रांसमिट भी हो जाता है और रिसीव भी होता है, रिसीव तो हो ही रहा है ये चीज़, और ट्रांसमिट का आपको समझा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आप ट्रांसमिट करते हो सिग्नल को, कि जब आपने मूवी ऑन डिमांड का जैसे मान लो सर्विस ली हुई है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ पेमेंट पे करोगे और वो मूवीज आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से तो ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ से सिग्नल, आपने मैसेज भेजा कि ये मूवी देखनी है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो जो जो डिश टाइप एंटीना होता है ना, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी, इस तरीके से ये लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके से एक एलिमेंट लगा होता है, ठीक है, अब ये देखो कैसे काम कैसे करता है ये एलिमेंट जो मैंने बोला है आपको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, देख लेना ऊपर जाके अपनी डिश को, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ लगी होगी इस रिफ्लेक्टर के आगे, ये तो जो पैराबोला है ना पार्ट, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है हमारा, ठीक है, पैराबोला यही शेप होती है, तो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो गया, और उसके ऊपर इस तरीके से एक एलिमेंट आया होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक वायर भी अटैच होती है ना, इसके साथ एक वायर अटैच है जो कि आगे फिर आपके टीवी में जा रही है, मतलब कि सेटअप बॉक्स में लगी होगी। क्लियर, अब देखो जैसे मान लो यहाँ से सिग्नल आया इस तरीके से, ठीक है, ये देखो इस तरीके से पैरेलल ही आए ये सिग्नल, ठीक है, और ये इस एलिमेंट पे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये एलिमेंट इस तरीके से इसको रिसीव करेगा सिग्नल को, समझ पा रहे हो, और आपके टीवी में जो भी है वो चैनल्स आप देख पा रहे हो। ठीक, अब ट्रांसमिशन वाली कहानी क्या हो जाती है इसमें, देखो इसी तरीके से हम बनाएंगे ये, यहाँ ये एक एलिमेंट लगा हुआ है, अब देखो ट्रांसमिट कैसे होगा सिग्नल, देखो यहाँ से टीवी से आई कमांड, ठीक है, तो वो किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से इस रिफ्लेक्टर पे, और ये ऐसे पैरेलली इसको आगे भेज देगा, ठीक है, अभी जाते कहाँ है सिग्नल, सैटेलाइट से, आ भी सैटेलाइट से रहे हैं और सैटेलाइट्स पे ही जा भी रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से रिसीव हो रहा है और किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई थी ये रिसेप्शन की बताई थी, और ये ट्रांसमिट की कैसे बताई थी, ये देखो ये एलिमेंट से ऐसे जाएंगे और ये इस तरीके से बाहर की तरफ ट्रांसमिट होंगे, और इसमें देख लो कैसे सिग्नल ऐसे आ रहे थे और फिर एलिमेंट पे जा रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रांसमिट वाले में जब आप टीवी से कुछ ट्रांसमिट कर रहे हो सिग्नल, तो इस एलिमेंट से जाएंगे और ऐसे पैरेलली फिर ये सैटेलाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो ये होता है आपका डिश टाइप एंटीना। और ये जो आपको बता दिया जो इक्विपमेंट लगा हुआ है इस रिफ्लेक्टर के आगे जो लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइपोल, डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है इस वजह से। क्लियर, तो
तो आपको समझ में आ गए होंगे डिश टाइप एंटीना कौन से एंटीना होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को और रिसीव करते हैं सिग्नल को, क्लियर। और देखो इससे क्लैरिटी भी जो होती है वो क्लियर होती है, जैसे आप नॉर्मल केबल देखते हो जो वायर्स के थ्रू ही आ रही है केबल ऑपरेटर से, उसमें जो क्वालिटी होगी आपकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी एज कम्पेयर टू जो सेटअप बॉक्स जो डिश के थ्रू आ रहे हैं, जो डिश लगी हुई है अगर आपके घर में, तो वो वाले चैनल देखना जरा कितनी क्लियरिटी होती है उसकी साउंड में भी वीडियो में भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि डिश टाइप एंटीना की वजह से क्लैरिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यही सब लिखा हुआ है, देखो क्या डिश टाइप एंटीना इज द यूनिडायरेक्शनल एंटीना, यूनिडायरेक्शनल है कि एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा और रिसीव भी करेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्शनल एंटीना जिसको हम क्या बोलते हैं, साथ में यूनि मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। सच एन एंटीना हैज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये जो होता है एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है विद एक्टिव एलिमेंट, और जो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि एक एक्टिव एलिमेंट लगा होता है डिश पे देख लेना जाकर आप, जिसमें वायर अटैच होती है ना वहाँ पर, ठीक है, वो एक एक्टिव एलिमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं। तो ये देखो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विद अ यहाँ पर देखो एक्टिव एलिमेंट कॉल्ड डाइपोल एंड द डिश टाइप एंटीना कैन ट्रांसमिट द वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है और ऑल्सो रिसीव भी करता है, एंड ऑल्सो इट कैन रिसीव द वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, therefore its clarity is high। तो clarity भी जो होती है वो क्या होती है, high रहती है। क्या समझ में आए, एंटीना दो तरह के थे बस, डाइपोल और डिश टाइप एंटीना। डाइपोल वाले को हम क्या बोलते हैं ओमनीडायरेक्शनल एंटीना, और डिश टाइप एंटीना को हम क्या बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एंटीना। क्लियर कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।